है ना, न्यूज वाले भी आ गए, और कितना तमाशा करेगा ये, घर के अंदर क्यों नहीं बुला लेती मैं? पर चाची ये तो ब्लैकमेल हुआ ना, क्यों जगे हम उसके ब्लैकमेल के आगे? तबीयत भी तो खराब है उसकी, और ना मैं खुद करुणा जी को फोन कर देती कि ले जाओ आके इस पागल को यहाँ से। एक काम करना, इसको अंदर बुला ले, दवा खिला, सूप पिला, बाद में देखते क्या कर रहा है। कमाल करता है यार, हम तुझे यहाँ पे बेटा 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 करे जा रहे हैं और तू यहाँ पे झक्की बना दिखा रहा है। और नहीं भाई साहब, कम से कम दवाई तो लेनी चाहिए ना इसको। रवि शिट, लगता है इसके सिर पे पड़ गया। मुझे भी लग चलो जी, जीजू का लेवल वन तो पार हो गया। हाँ, चार पांच दिन में बाहर आ जाओगे। तुम्हारी बहन के सामने इमोशनल ड्रामा करके तुम्हारे जीजा जी को गारंटर बनवा दिया है, और तुम अभी ना जेल में बैठकर सोना और टीवी देखना बंद करो, बाहर आओ और मेरी हेल्प करो। और हाँ, उस लड़की महक शर्मा को केडी के रेस्टोरेंट में सेट करवा दिया है, और तुम्हारा भांजा मजनू बना बैठा है उसके घर के बाहर। यू नो, उसको ये भी नहीं पता कि मुझे पल पल की खबर है उसकी। एक्चुअली मैं ये सोच रही हूं कि जिस दिन शौर्य को ये पता चल गया कि उसकी पीठ के पीछे कौन चूरा घोप रहा है, तो उसकी तो हवा निकल जाएगी। बस तुम बाहर आ जाओ, बाय। पक्का ये शौर्य की क्लास लगाने वाली, मैं बता रहा हूं। कुछ ज्यादा ही कर रही है। शौर्य खन्ना, तुम हमारे घर में जबरदस्ती घुसी आए, लेकिन तुम इस घर का हिस्सा तभी बन सकते हो जब तुम हमारी तरह जियोगे। ये जो तुम बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हो ना कि हमारे घर में एडजस्ट हो सकते हो, ये तुम्हें प्रूफ करने पड़ेंगे। महक पुत्र, तू ये क्या कर रही है? देखिए, आप में से कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। वैसे ही पहले बहुत तरफदारी हो चुकी है इसकी। तुम अब इस घर के एक मेंबर की तरह रहोगे, जिसका मतलब ये है कि अतिथि देवो भव जैसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। जिस दिन तुमने हमारे घर में एडजस्ट कर लिया, उस दिन तुम्हें ग्रीन टैग मिलेगा, और जिस दिन तुम हमारे घर के रहन सहन में एडजस्ट नहीं कर पाए, उस दिन रेड टैग। मैं तो बचपन से कंपटीशन के बाद कंपटीशन, चैलेंज के बाद चैलेंज पूरी करता हूं। Thank you.
तुमने तो मुझे ऐसे रिंग में डाला जहां का चैंपियन मैं। तुम्हें क्या लगता था कि तुम्हारा वो चार्ट देख के डर जाऊंगा? अगर तुम जीत गई तो तुम्हारा ये घर और तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा, और अगर मैं जीता तो सोच लो जो मुझे चाहिए जो चाहिए वो देना पड़ेगा। क्या मेरा पहला केस? क्या कर रही हो? मुझे अपने रूम में ले जाने आई हो क्या? जी नहीं, बिना सोए सपने मत देखिए, मैं बस मच्छरों से बचाने का इंतजाम कर रही थी। वाह, इतनी कंसा, एक तरफ चैलेंज देती हो और दूसरी तरफ इतना प्यार। गलत फहमी है आपकी, मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रही थी कि कहीं चिकनगुनिया और डेंगू तुम्हारे प्लान में तुम्हारी हेल्प ना कर दे। मुझे नहीं मालूम था तुम्हारे घर में आकर रहने का सबसे बड़ा फायदा तो ये हो जाएगा कि मैं आधी रात को भी तुमसे मिल सकता हूँ बिना किसी रोक टोक के। एक बार बकवास मत करो, छोड़ मुझे, पीड़ी सो रही है वो जाग सकी। जागने मुझे किसी से डर नहीं लगता, एक बार बोल दो। मैं बोलू मैं ना चिल्लाऊंगी, फिर सारे घर वाले आगे ना तुम्हारे हाथ पे तोड़ देंगे और तुम्हें बाहर फेंक देंगे। छोड़ मुझे, बोलो। नहीं बोलूंगी, बस एक बार बोलो। आई लव यू। बोला ना नहीं बोलूंगी, एक बार बोलो प्लीज। अरे पुत्र बोल देना, तेरी पीढ़ी को सोते वक्त ना दिखता है ना सुनता है। देख वाइट, कल की तरह 45 मिनट मत लगाना तू अंदर, तेरे बाद में मेरा नंबर है, जल्दी आना जल्दी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओए एक मिनट रुक 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 रुक। क्या? व्हाट ए रिलीफ। पहले इनको जाने दे। गुड मॉर्निंग जी, पहले आप चले जाओ अंदर, लखनऊ वालों से सीखी है ये बात हमने। चाची, मैंने क्या कहा था? ये घर इनके मुताबिक नहीं चलेगा, इन्हें हमारे घर के हिसाब से ढलना होगा। यही मतलब होता है ना एडजस्ट करने का। शॉर्ट ये आवाज कैसी थी? उधर क्या हुआ, सब ठीक है? मैं स्लिप हो गया था बाथरूम में और पाइप हाथ में आ गई थी तो फट गई है। फट गया? देखिए I'm sorry, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम। आपको इतनी फिक्र है तो आप अपने घर क्यों नहीं चले जाते? अच्छा ठीक है ना, 5 दिन में तो चले जाएंगे, अकेले या तुम्हें लेकर।